दोस्तों, वेलकम टू टॉगोर आर्ट एंड क्राफ्ट। देखिए, आज हम लोग ये लोटस बनाएंगे। ये लोटस देख के किस किस को अपना बचपन याद आ रहा है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो अपने स्कूल में बनाए हैं। देखिए, इसके लिए मैं A4 साइज़ का पेपर ली हूँ। पेपर को पहले इस ऐसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके जितना आएगा पूरा चारों तरफ फिर एक साइज का हो जाएगा। ऐसे करके कट लगाएंगे तो फिर इसको जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको कट करके निकाल देंगे। फिर उसको इस साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए, अभी इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करके उल्टा तरफ एक फोल्ड लगाऊंगी। अभी देखिए, जिस तरफ पहले हम लोग फोल्ड किए थे दोनों तरफ, उस साइड में जो दो उल्टे तरफ जो फोल्ड किए थे उन दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे। पकड़ के ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। ये कैसे फोल्ड कर रही हूँ इसको एक बार आप देख लीजिएगा आराम से, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा फिर से आपका अपना बचपन। देखिए, इस तरह से इस साइड से भी फोल्ड करेंगे, उस साइड से भी फोल्ड करेंगे। फिर उल्टा करके फिर इसको सेम प्रोसेस से उधर जैसे फोल्ड की थी इस साइड से भी उसको वैसे ही फोल्ड करेंगे। देखिए, फोल्ड करके अभी जिस साइड में प्लेन है उसको निकाल लूँगी। जिस साइड में खुला बंद हुआ हिस्सा है उधर निकाल के फिर देखिए ऐसे करके पतला सा फोल्ड करेंगे। देखिए, दोनों के अंदर ऐसे होल है तो इसके अंदर से इसको निकाल के उसके अंदर फंसा देंगे इसको। ये खुल जाता है बार बार, आपको लगाना पड़ता है। आपको अगर ये फिक्स चाहिए तो इधर आप थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे या सिलो टेप लगा देंगे तो ये फिक्स्ड होकर बैठा रहेगा उधर। इस साइड से भी सेम ऐसे करके फोल्ड करके उस साइड से ले आके इधर इसके अंदर इसको फंसा देंगे। देखिए, हो गया। अभी नीचे इधर फूल लगाएंगे तो ये फूल जाएगा। देखिए, फूल गया। अभी देखिए, इसका जो पंखुड़ी है इसको ऐसे करके चारों तरफ निकाल देंगे। देखिए, अभी इसका जो डंटल है उसको बनाने के लिए एक ग्रीन कलर का पेपर लियो। आप किसी भी नाप का लीजिए। ये चार्ट पेपर है, मेरे पास ऐसे ये पेपर ख़त्म हो गया था। तो इसको देखिए, एक कोने से ऐसे इसको फोल्ड करिए। बहुत मोटा पेपर है तो ऐसे हाथ से ही फोल्ड हो रहा है, नहीं तो इसके अंदर एक डंडी लगा के फोल्ड करना पड़ता। देखिए, इसको इधर ग्लू लगा के चिपका देंगे। अभी डंडी को इसके नीचे से अंदर करते हुए इधर भी थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे। इसका मुंह पे थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे तो फेविकॉल लगा रही तो थोड़ा चिपकने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अभी देखिए, पत्ता बनाने के लिए ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा ली हूँ, लेके उसको कट करूँगी, दो पत्ता बनाऊँगी, ऐसे फोल्ड करके पत्ते के शेप से कट कर लूँगी।
देखिए पत्ते को गोलाई शेप देने के लिए किसी चीज़ से ऐसे फोल्ड कर देंगे तो गोलाई आ जाएगा थोड़ा सा, और फिर इसको फेविकोल लगा के चिपका दूंगी। देखिए रेडी हो गया ये मेरा लोटस। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, और जो कोई भी मेरा वीडियो को नया देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।